आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। सोमवार को भी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से आक्रोश रैली निकाल ली और विधायक दिलीप सिंह परिहार के निवास पर अपना ज्ञापन चस्पा किया। आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन की न्यूनतम वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल की और अपनी मांगों को मनवाने के लिए कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। रैली निकालकर विधायक के नाम और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सोमवार को आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन ने सीटू के बैनर तले शहर के 40 चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों चौराहे से रैली निकाली गई, जो विधायक निवास पर पहुंची, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने विधायक दिलीप सिंह परिहार की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के नाम विधायक के पोस्टर पर ज्ञापन चस्पा किया। उसके बाद कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक मेहनत व सबसे कम 2000 रुपए प्रति माह वेतन पाने वाली आशा कार्यकर्ताओं संयोगियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए और 1 जून 2021 से 35 दिन तक आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की थी। इस बीच 24 जून को मिशन संचालक द्वारा आशाओं के लिए 10,000 रुपए और इसके अनुरूप संयोगियों के लिए वेतन वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया था। 5 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री की ओर से वेतन वृद्धि करने के लिए आश्वासन दिया गया था। इसके बाद संयुक्त मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित किया गया था। इसके बावजूद आशा और सहयोगियों के वेतन वृद्धि की मांग का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से निराकरण नहीं किया गया है, जिसके सरकार को यह रवैया के चलते प्रदेश भर की आशा और सहयोगियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से मांग रखी गई है कि आशाओं को 10,000 रुपए व सहयोगियों को 15,000 रुपए मासिक वेतन या मानदेय देने की तुरंत आदेश जारी किए जाए। प्रदर्शन और रैली के दौरान आशा उषा सहयोगनी एकता यूनियन की कई पदाधिकारी महिलाएं और कार्यकर्ता उपस्थित रही। हमारी मांग यही है कि आशाओं को 10,000 और सहयोगी को 15,000 रुपए अभी दिए जाए। वैसे तो न्यूनतम वेतन के हिसाब से 24,000 की मांग है हमारी, लेकिन अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है तो जब सर हमने हड़ताल स्थगित की थी तो समिति बनाकर स्वास्थ्य मंत्री ने ये बोला गया था कि हम समिति बनाकर हमें समय दो तो हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई लिखित में आदेश नहीं दिया गया है। यदि हमारी मांगों को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया इस मानसून सत्र में भी, तो इस हमारी अनिश्चित हड़ताल फिर चालू।